कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा सोच मत सोचिए। हर सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है, उससे मुसलमानों क्या ताल्लुक? मौइज़म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब, बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है,